हेलो फ्रेंड्स, सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर ऑफ इनर्शिया। इस बार मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया हुआ है कि एक ओपन एलिवेटर है जिसमें कि एक बंदा है, और ये एलिवेटर करेंटली अभी ग्राउंड हाइट से 500 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। और ये ऊपर जा रहा है ये एलिवेटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और इस एलिवेटर में एक एक्सेलरेशन भी है अपनी, एंड दैट एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इस सिचुएशन में अगर ये बंदा अनलकली स्लिप कर गया इस एलिवेटर से बाहर तो क्या होगा? तो वन थिंग वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इस एलिवेटर का स्पीड क्या था, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस बंदे का भी इनिशियल स्पीड क्या होगा, initial speed of this guy will again be 20 meter per second, right? ऊपर की तरफ। तो ये बंदा पहले क्या होगा, पहले ये बंदा ऊपर जाएगा। तो मैं इस चीज़ को अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ, सो फर्स्ट एज सुन एज ही कम्स आउट ऑफ दिस एलिवेटर ही विल फर्स्ट गो अप। ये कितना ऊपर जाएगा, जब यहाँ से ऊपर जा रहा होगा इस टाइम पर इसका मोशन स्टार्ट हुआ, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये ऊपर जा रहा है तो उस पर ग्रेविटी काम कर रही है पीछे की तरफ। ग्रेविटी क्या करेगी, इसकी स्पीड को वो कम करेगी, इसकी स्पीड कुछ ऊपर जाके 15, फिर यहाँ पर 20, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर इसकी स्पीड हो जाएगी 0। ये चीज़ हम पहले ही समझ चुके हैं मोशन वन डायमेंशन में। जैसे ही 0 होगी उसके ऊपर ये फर्दर नहीं जा सकता, तो क्या होगा, यहाँ से ये वापस से अपना पाथ रिट्रेस करके ग्राउंड तक आ जाएगा। तो इस पूरे मोशन में क्या हुआ, इस पूरे मोशन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बंदेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ -500। मुझे एक बात बताइए कि जैसे ही ये बंदा अलग हुआ, इस बार मैंने आपको एक एक्सेलरेशन दिया था इस एलिवेटर का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको क्या लगता है इस बंदे का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? इस बंदे का इनिशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा जस्ट -10, इट मींस जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्यों एक्सेलरेशन जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी क्यों होगा, तो इस चीज़ को समझिए कि इस एलिवेटर में जो भी ये एक्सेलरेशन है वो इस एलिवेटर के अपने मैकेनिकल अरेंजमेंट की वजह से, यहाँ पर कुछ वायर्स लगी हुई होती हैं, कुछ मोटर्स लगे हुए होते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनके वजह से ये अरेंजमेंट है। तो फोर्स इस एलिवेटर पे लग रही थी, और जब बंदा इस एलिवेटर से कांटेक्ट में था तो बंदे के ऊपर भी वो फोर्स लग रही थी। लेकिन जैसे ही बंदे का कॉन्टैक्ट अलग हुआ, बंदा जैसे ही एलिवेटर से बाहर निकला, तो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया बंदे और एलिवेटर के बीच में, इसलिए फोर्स अब बंदे पर नहीं लगेगी। तो अब बंदे पर सिर्फ कौन सी फोर्स लगेगी जो एग्जिस्ट करती है नेचर में, दैट इज ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन जब ये अलग हुआ तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया वेलोसिटी गेट कैरिड अवे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस बात को आप मतलब दिमाग में नोट करके रख सकते हैं कि वेलोसिटी गेट्स कैरिड अवे because of inertia and not acceleration. तो acceleration carry नहीं होता, ठीक है। तो initial acceleration जो कुछ भी था इस lift का, जैसे था 5 meter per second square, तो उस acceleration का अब इस बंदे पर, जैसे ही वो हवा में आया तो अब इस बंदे पर क्योंकि contact break हो गया तो उस acceleration का कोई effect नहीं है, ठीक है। जैसे ही वो हवा में आया तो एक लौता एक्सेलरेशन जो उस पर काम करेगा, दैट इज जस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो अब हम अगर निकालना है अगेन कि इन हाउ मच टाइम डिड दिस गाय लैंड ऑन अर्थ, अगर हमें टाइम निकालना है तो फिर से क्या करेंगे, वापस से वही इक्वेशन लगाएंगे अपनी स्टैंडर्ड। हमारी इक्वेशन क्या थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों लगा रहे हैं ये इक्वेशन, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जब बंदा यहाँ से यहाँ आएगा तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी द नेट डिस्प्लेसमेंट। एस कितना है, -500। माइनस अब तक आपको कम से कम मैं खुद 50 बार बोल चुका हूँ कि नेगेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एनीथिंग विच इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव हमारे कन्वेंशन के हिसाब से, बट यू विल बी टेकन एज पॉजिटिव क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही थी, तो बंदे की इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, ऊपर की तरफ ही होगी। तो 20 t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की जगह क्या लेंगे हम, -10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फिर से बन रहा है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 5 से हम हर इनपुट डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया -100, हो गया 40, ये हो गया माइनस ऑफ पी स्क्वायर, क्योंकि 10/2 ऑलरेडी 5 हो गया था, हमने 5 से फर्दर डिवाइड कर दिया। इसको हम रीअरेंज कर लें तो टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टी हमें क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर, दैट्स 16 माइनस 4 एसी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट्स 400 बाई 2। तो टाइम आपको आ गया 4 प्लस नेगेटिव, टाइम हम इग्नोर करते हैं जब भी हमें एक बार एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करके पॉस प्लस और माइनस दोनों आ रहा हो, तो नेगेटिव टाइम हम इग्नोर करते हैं बिकॉज टाइम विल नेवर बी नेगेटिव। तो ये हो गया 416 डिवाइड बाई 2। तो इतने टाइम के बाद ये बंदा पहले ऊपर जाएगा, फिर ये बंदा नीचे आएगा, और ये बंदा फाइनली ग्राउंड तक वापस पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर हम जस्ट सोच लें इस चीज़ को ऐसे भी कि नीचे से ऊपर जाने में मान लीजिए कि कितना टाइम लगा होगा इसको, अगर इसी चीज़ को हम इस तरह से अगर हम स्प्लिट कर लें कि नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, हम जस्ट इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लें ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं हो किसी भी तरह का। बंदा कुछ यहाँ पर था, मोशन स्टार्ट हुआ विद इनिशियल वेलोसिटी 20, बंदा पहले नीचे से ऊपर गया, यहाँ पर वेलोसिटी हो गई 0, फिर बंदे की रिटर्न जर्नी शुरू होती है, बंदा नीचे आता है। इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 500 है विद अ माइनस साइन, क्योंकि डिस्टेंस 500 है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस 500। हम पहले निकालना चाह रहे हैं जस्ट कि नीचे से ऊपर तक कितना देर हो हवा में रहा जो ऊपर जा रहा था, तो वो मान लेते हैं उसको T1 टाइम। T1 क्या होगा, T1 हम निकाल सकते हैं सिंपली, हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर 0 होनी है, तो हम लगा लेंगे इक्वेशन V इक्वल टू यू प्लस AT, वी की जगह पुट करेंगे 0, ये T1 हम लेंगे, U हमारा क्या है 20, एक्सेलरेशन क्या हमारा अगेन ग्रेविटी यानी कि माइनस 10 इंटू T1। यहाँ से सॉल्व करके आपका T1 क्या जा रहा है, T1 आपको आएगा 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो 2 सेकेंड के लिए वो ऊपर जा रहा है। अब हमने ये चीज़ सीखी है कि जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है, तो ऊपर से नीचे को आप ग्राउंड से मत कंपेयर कीजिए इस बार, क्योंकि हमारा मोशन स्टार्ट ही हुआ है ऑलरेडी 500 मीटर की हाइट से, यानी कि यहाँ से ये पॉइंट, अगर हम मैं कहूँ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जितना टाइम लगा, वापस से पॉइंट बी से, क्योंकि पॉइंट ए ही है सेम लेवल पर है, ये एक्चुअली डिफरेंट लाइन में नहीं आता, ये इसी लाइन में आता है, जस्ट आपको देखने में क्लियर हो इसलिए मैंने थोड़ा लाइन को शिफ्ट करके बनाया लेफ्ट साइड। तो जब वापस पॉइंट ए पर आएगा तो यानी कि कितना ही टाइम लगना चाहिए उसको, T1 ही टाइम लगना चाहिए। अगर इसको जस्ट आप को कन्फर्म करना है तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इस चीज़ को एनालाइज भी कर सकते हैं, आप देख लीजिए कि नीचे से यहाँ तक जाने में इसने कितना हाइट कवर किया। तो हाइट कैसे निकालेंगे हम, ये कितना हाइट मैक्सिमम गया, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, वी क्या है 0, यू क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 10 इंटू एस की जगह पर अननोन है हमारे लिए बस, तो यानी कि वो हाइट h, ये जितना हाइट वो ऊपर गया। ये क्यों इक्वेशन लगा रहा हूँ, बिकॉज हमको जस्ट डिस्प्लेसमेंट निकालना था कि कितना ये ऊपर गया हाइट, और हमें पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 होती है, तो सबसे कन्वीनियंट इक्वेशन क्या है, यही है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमको h कितना आ जाएगा, h जो हमें आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 20। ठीक है, यानी कि 20 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट 20 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक वापस कितना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट वापस से क्या होगा, जब ये पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आएगा, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट बी टू पॉइंट ए कितना होगा, आपको सोचिए दैट विल बी माइनस 20। ठीक है, चूँकि हाइट तो उतना ही रहनी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चूँकि अब बी से जब ए की तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस 20। तो दिस माइनस 20 कैन बी रिटन एज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम ये निकालना चाहते हैं जस्ट कि बी से ए तक आने में कितना टाइम लगा, है ना, तो बी से जब मोशन स्टार्ट हुआ तो बी के लिए अब यू क्या हो गया, यू हो गया 0, क्योंकि जो पिछले केस में जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इस केस में अब क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, तो यू हो जाएगा इस बार आपका 0। तो ये टर्म तो आपका कैंसिल हो गया, तो बस क्या बचा, माइनस ऑफ
10 by 2 into t square, ठीक है. तो ये equation minus minus cancel, तो t square आपको क्या आ रहा है, देखिए t square आपको आएगा 4, तो वापस से t क्या होगा आपको आ गया 2. तो ये मैंने आपको कहा था ना शुरू में कि ये जो t है वापस से क्या है, t1 ही है, यानी कि t1 हमको फिर से क्या आ गया, 2 आ गया. क्यों, प्रीवियस केस में क्या था, 2 आया था, यानी कि 2 सेकंड इसको ऊपर से नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा और उसी हाइट से वापस सेम ए लेवल पाने में इसको 2 सेकंड लगा. तो इस बात को आप एकदम अपने दिमाग के अंदर समझ जाइए कि जिस पॉइंट से, चाहे वो हवा में वो पॉइंट ग्राउंड पे हो या ऑलरेडी कुछ हाइट पर हो, अगर उस पॉइंट से हमने कोई चीज़ ऊपर फेंकी है तो जितना देर उसको नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम है वो मैक्सिमम हाइट से उस लेवल तक आएगी, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस ना. जब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस होगा, कोई एयर फ्रिक्शन एयर ड्रैग होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पर क्या होना है. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस वो एकदम सेम रहना है. तो T1 हाइट यहाँ से यहाँ तक, फिर T1 हाइट यहाँ से यहाँ तक. फिर मैंने एक और चीज़ बोली थी कि जितनी स्पीड से हम ऊपर फेंकेंगे उतनी स्पीड से वो उस हाइट पर वापस आएगी, यानी कि अगर आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके चेक कर लीजिए कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट कम्स बैक टू हाइट ए. वो वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए आपको अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस, वो वेलोसिटी आ जानी चाहिए आपको -20, क्योंकि 20 की स्पीड से हमने फेंका है, लेकिन जब ये नीचे आ रहा है तो डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ है, यानी कि वो आएगी आपको -20. अब चाहिए तो आप आराम से चेक कर सकते हैं क्या कौन सी इक्वेशन लगाइएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वन ही लगा लीजिए, मगर इस बार u को मानिएगा 0, t1 अगेन 2, क्योंकि 2 हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया, t1 इज 2 और डायरेक्शन माइनस की तरफ, तो यानी कि वेलोसिटी वापस से आपको आ जाएगी इस हाइट पर -20, ठीक है. अगर आपको चेक करना है वह वीडियो पॉज कीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वन लगाइए, आपको इस टाइम पर जब बी से ए की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी अगेन एट पॉइंट ए विल बी -20. तो अब अगर हम लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी देखें कि जब ये ए से वापस से ग्राउंड तक गया, तो इस टाइम पर इसको ए से वापस ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, अगर हमको ये टाइम निकालना है तो लेट्स से इसको कहेंगे हम टी टू. तो टी टू के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, हमें दिख रहा है कि ये वापस से जब यहाँ पर है फिर यहाँ जा रहा है, तो इस बार हम इक्वेशन हमें लगा रहे हैं सिर्फ टी टू टाइम निकालनी है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट अगेन फ्रॉम ए टू पॉइंट ग्राउंड कितना है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज -500 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारी ए पर इस बार -20 इंटू टी टू प्लस हाफ ऑफ -10 इंटू टी टू स्क्वायर, ठीक है. ये जो इक्वेशन आएगी अगेन एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने ऐसी इक्वेशन बहुत बार सॉल्व की हुई है, आप आराम से सॉल्व करके टी टू निकाल सकते हैं. अब आप बस इस चीज़ को समझ जाए अच्छे से कि जब एक बार में ये हुआ कौन सा स्टेप, तो हमारा टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम होगा हमारा ट्वाइस ऑफ टी वन प्लस टी टू. इस पूरे जर्नी में इतना ही टाइम लगा, पहले टी वन यहाँ गए, फिर टी वन यहाँ से यहाँ, फिर टी टू. ये तीन स्टेप करने की जगह पर अगर हम एक स्टेप में ही सोचते, जो हमने पहले ही सॉल्व कर दिया इस इक्वेशन को, कि जब स्टार्ट हुआ मोशन तो ऊपर जा रहा था, तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या था एक ही स्टेप के लिए, कि डिस्प्लेसमेंट इज -500 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज अपसाइड बिकॉज ऑफ 20, तो 20 टी अगेन प्लस हाफ ऑफ -10 टी स्क्वायर. तो इस इक्वेशन से जो हमें सीधा एक बार टी आया था, दैट वॉज ट्वाइस ऑफ टी वन प्लस ट्वाइस ऑफ टी टू. आप को कंफर्म करना है, आप देख सकते हैं हमने जस्ट अभी टी की वैल्यू निकाली है प्रीवियस केस में ना, इसी सेम सिचुएशन में आप टी टू निकालिए और इसे क्वेश्चन में पुट कीजिए, आपको क्लियरली दिखाई देगा दैट ट्वाइस ऑफ टी वन प्लस टी टू विल बी इक्वल टू टी. तो हम आगे से क्या करेंगे, हम इतना तीन स्टेप में मोशन को ब्रेक नहीं करेंगे, वो मुझे एक बार आपको समझाना था ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियरली दिखाई दे कि क्या हो रहा है, फिजिक्स क्या चल रहा है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बट आप जब क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो आप सीधा एक बार में एक ही क्वेश्चन लगाएंगे, आप सिर्फ देखिए कि फ़र्क क्या है, फ़र्क इस टर्म का है, ये जो टर्म हमने लिखा है ये -20 इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम सिर्फ लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी को इमेजिन कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, यही इनिशियली क्या था ऊपर की तरफ था, तो यहाँ पर +20 टी है, ठीक है. तो ये जो इक्वेशन है दिस रिप्रेजेंट्स द इंटायर मोशन, नीचे से ऊपर जाने का भी, फिर ऊपर से टोटली नीचे आने का भी. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ओनली दिस लास्ट जर्नी फ्रॉम ए टू ग्राउंड ऑन रिटर्न, ये रिटर्न टाइम के लिए है सिर्फ, ठीक है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ही
मोस्ट ऑफ द टाइम काइनेमेटिक्स का काम होता है. काइनेमेटिक्स में बस हमको सही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना है और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है इनर्शिया और क्या हो रहा है, कैसे वेलोसिटी कैरी हो रहा है और एक्सेलरेशन कैरी नहीं हो रहा है. और जब भी कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही होगी लेकिन फाइनली अगर ग्राउंड पे गिरनी है तो हमको पता है कि पूरे जर्नी में जो एक्सेलरेशन है वो जस्ट ग्रेविटी की वजह से है. तो सीधा हम इनिशियल पॉइंट और सीधा फाइनल पॉइंट पर एक ही बार में इक्वेशन लिखेंगे. बट सिर्फ ध्यान रखें कि इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है. सही वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो आपको एक बार में सही रिजल्ट आएगा. आपको इतना स्प्लिट करके तोड़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में अब हम इंटर करने जाएंगे. वो चैप्टर होगा हमारा टू डायमेंशन मोशन का विद इन काइनेमेटिक्स. ठीक है, चैप्टर अलग नहीं है, टॉपिक अलग है. सो दैट इज टेक्निकली टू डायमेंशन मोशन हम स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें अब और ज़्यादा चीज़ सीखेंगे. ठीक है, थैंक यू, गुड बाय.